नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। सेक्टर 25 के मॉल स्पाइस मॉल में आग लगी थी, लगने की खबर आई थी, जिसके बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, तमाम पुलिस बल वहां मौजूद पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि देखिए, मॉल को खाली करा लिया गया है, धुआं अभी भी अंदर देखा जा सकता है कि धुएं की वजह से लोगों को बाहर निकाल दिया गया है ताकि किसी को जानमाल का नुकसान ना पहुंचे। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ लोग जो जिस समय आग लगी थी वो यहां पर मौजूद थे। लक्ष्मी नारायण, जिस समय आग लगी थी आप यहीं पे थे? नहीं जी, मैं काम कर रहा था। अच्छा अच्छा, तो किस तरह से आग लगी थी? आग ऊपर से लगा था, अलार्म बजा तो हम लोगों की पता चला जो नीचे ऊपर आग है, तो हम लोग नीचे आ गए। अच्छा अच्छा, तो जब आग लगी थी क्या रेस्टोरेंट में लगी थी, किस चीज में लगी थी? रेस्टोरेंट में आग लगी थी। रेस्टोरेंट पे लगी थी, कुछ नुकसान तो लगी है? अच्छा, उसके पंखे में आग लगी है, उसकी वजह से फ्लोर मतलब सारे ऊपर आग पहुंच गई है, उसके थोड़ी की वजह से ज्यादा आग लगी है। इसके और कोई वैसे दिक्कत भी नहीं, किसी को दिक्कत भी नहीं हुई है। तो फायर ब्रिगेड कितनी देर बाद आई? 5 मिनट यानी ऊपर लगा था, ऊपर धुआं लगा, धुआं हुआ, अलार्म बजा, हम लोग नीचे आ गए। अच्छा, उसके ऊपर मेरे को पता नहीं कैसे आग लगा है नहीं लगा है। ऊपर जाने नहीं दिया? हाँ, ऊपर जाने नहीं दिया गया है, और बाकी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप वहाँ पे थे? मैं थे, थोड़ा सा लेट आए थे थोड़ा, पर आग लगी थी, उस समय सब कुछ बंद कर दिया गया था, लिफ्ट विफ्ट सब बंद कर दी थी, ऊपर जाने की एंट्री नहीं करी, तो उसके बाद सबको बाहर भेजा गया, उन्होंने कहा सबको निकल जाए, थोड़ा धुआं हुआ हल्का सा। ऊपर वाला फ्लोर सारा खाली करा लिया गया? ऊपर वाला सारा फ्लोर खाली करा दिया गया था, सबको नीचे भेज दिया गया, सब गार्ड वार्ड आए तो ऊपर से उन्होंने कहा नीचे चले जाइए आप लोग, क्योंकि आग लगी हुई है, सारा मॉल पूरा खाली कराया ऊपर से, उसके बाद सबको नीचे भेज दिया। बाकी ऊपर ऐसा कुछ ज़्यादा वो तो था नहीं, बाकी कंट्रोल कर ही लिया था ऊपर। तो कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुआ है, हल्का फुल्का हुआ होगा जो भी थोड़ा बहुत, पर नुकसान इतना नहीं है। अच्छा, कोई किसी को जानमाल का खतरा? कोई जान का कोई खतरा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम से सबको बाहर निकाल दिया गया था। बिल्कुल, जैसे इनका कहना है कि टाइम से सबको बाहर निकाल लिया गया है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ टाइम से पहुँच चुकी हैं, पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद था, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी की जानमाल का या फिर कोई बड़ा जानमान हाली का या फिर पैसे का कोई नुकसान नहीं है। नहीं पड़ी और आग बुझा ली। अच्छा, किसी मॉल में भी जाएं तो सिनेमा हॉल के अंदर ज़्यादा भीड़ होती है, तो सिनेमा में क्या मूवी चल रही थी, लोग मौजूद थे? ये अभी एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जब हम लोग आए तो सभी लोग बाहर निकल रहे थे, उसमें से कौन से लोग मॉल में थे या कौन से ऑडी में थे ये अभी हमने क्लियर नहीं किया है, और लेकिन ऑडी खुलवा के हम लोगों ने पूरा देख लिया था, तो सभी कुछ इवैक्यूएट है। सर, यहाँ पे NOC थी और दूसरी चीज़ जो आग लगी थी, तो आग के उपकरण जो लगे हैं मॉल के अंदर वो चालू हुए नहीं? हाँ, इनके उपकरण चालू थे, और जो टेरेस पे हमने आग बुझाई वो मॉल के ही हाइडेंट से जो है हमने ऊपर हॉज पाइप फैला कर और उसे आग बुझाई थी। NOC है इस बिल्डिंग के? हाँ, इस बिल्डिंग को NOC है, सिस्टम पूरा वर्किंग है सर? हाँ, वर्किंग है सिस्टम, इनका काम कर रहा था, उसी से आग बुझी। जो भी कमी थी उस रेस्टोरेंट में, जो हुड की क्लीनिंग होनी चाहिए वो लगता है प्रॉपर नहीं हुई थी, क्योंकि वो ग्रीस के कारण जो है वो आग लगी। वो सिर्फ चिमनी से ही सर, सेकंड फ्लोर से पांचवी फ्लोर तक पहुंची? हाँ, वो केवल चिमनी ही आग गई थी, कहीं बाहर किसी और पे नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। कैमरामैन अवकेश के साथ अभिषेक त्यागी, NMF न्यूज़ के लिए नोएडा।